महाराष्ट्र में ठाकरे काबीना में आज की गई तौसी। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम का लिया हलफ। कांग्रेस के साबिक वजीर आला अशोक चौहान और एनसीपी सदर नवाब मलिक समेत कई लीडरान ने वजारत का लिया हलफ। शुमाली हिंदुस्तान में नहीं थम रही है मौसम की मार। भारी कोहरे के सबब करा रही है दिल्ली। दिन के अवकात में भी घने कोहरे से सड़कों पर नहीं नजर आ रहा है कुछ। महज 30 मीटर की है विजिबिलिटी। ट्रेन के साथ हवाई सफर पर भी पड़ रहा है असर। शहर में 3 डिग्री तक दर्ज की गई दर्जा हरारत। दिन के 12 बजे तक नहीं नजर आ रहा है सूरज। घने कोहरे से ग्रेटर नोएडा में पेश आया भयानक सड़क हादसा। नहर में गिरी बेकाबू कार। हादसे में 6 अफराद की हुई मौत। 5 लोग बताए जा रहे शदीद जख्मी। शुमाली हिंदुस्तान के कई मकामात पर बर्फ और ठंड ने ढाया सितम। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। मशीनों और दीगर आलात से हटाई जा रही है रेलवे ट्रैक और सड़कों पर जमी बर्फ। बर्फीले फव्वारे जैसा दिखा नजारा। श्रीनगर में -6.2 डिग्री तक गिरा दर्जा हरारत। ठंड से जमने लगे हैं नदी और झील के किनारे। लेह में भी -21 डिग्री तक तो राजस्थान में -3 डिग्री तक गिरा पारा। मुजफ्फरपुर में ठंड से एक शख्स की हुई मौत। डीएम ने 2 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी का दिया हुक्म। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक गौशाला में इंतजामिया के सामने आई लापरवाही की तस्वीर। कड़ाके की ठंड और भूख से गौशाला की 25 गायों की तड़प तड़प कर हुई मौत। जगह जगह पाई गई मरी हुई गायें। हुकूमत की इमदाद याफ्ता गौशाला की बदहाली पर चौतरफा की जा रही है तनकीद। झारखंड में हेमंत सोरेन ने संभाली कमान। वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। कांग्रेस के 2 तो आरजेडी के 1 रुकन असेंबली ने भी वजारत का लिया हलफ। अपोजिशन लीडरान ने भी हलफबरदारी तकरीब में शिरकत कर इत्तेहाद और एकजहती का किया मुजाहरा। सीए और एनआरसी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर अब भी जारी एहतजाज। अहमदाबाद में सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने ताकत का किया इस्तेमाल। एहतजाजियों को जबरन उठा ले गई पुलिस। मुजाहरीन ने कानून वापस लेने का हुकूमत से किया मुतालबा। असम के गुवाहाटी में भी कलाकारों ने भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ बुलंद की आवाज एहतजाज। गीत गाकर शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत। सीए और एनआरसी से आजादी वाले लगाए नारे। पुणे में भी सीए और एनआरसी के खिलाफ ऑल पार्टी ने छेड़ी मुहिम। गोलीबार मैदान से काउंसिल हॉल तक हजारों की तादाद में लोगों ने निकाला जुलूस। नागरिकता कानून को मजहब और जात पात की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक से किया ताबीर। सीए और एनआरसी को मुस्तरद करने का किया ऐलान। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पेश आया हादसे की सामने आई सीसीटीवी तस्वीर। गलत ट्रेन में बैठने के बाद चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश के दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान गिर गई है खातून। हादसे में कट गए खातून के दोनों पैर। यूपी के गाजियाबाद लोनी में पेश आया दर्दनाक हादसा। कमरे में आग लगने से एक ही खानदान के 6 अफराद की हुई दर्दनाक मौत। मरने वालों में 5 ता 12 साल के 5 मासूम बच्चे भी हैं शामिल। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है हादसे की वजह। महाराष्ट्र और कर्नाटक बेलगाम सरहद तनाजे ने फिर पकड़ा तूल। शिवसेना कारकुनान ने कर्नाटक के वजीर आला येडियुरप्पा का फूका पुतला। कोल्हापुर थिएटर में बंद करवाई गई कन्नड़ा फिल्म की स्क्रीनिंग। कोल्हापुर से कर्नाटक बस सर्विस को भी किया गया मुअत्तल। एहतजाजियों ने किया दावा बेलगाम में मराठी बोलने वालों की अक्सरियत, लेकिन बावजूद इसके कर्नाटक जिला में शामिल किया गया बेलगाम। एक दिन कबल बेलगाम में भी कन्नड़िगास ने किया था एहतजाज। सीएम उद्धव ठाकरे के पुतले को किया गया था नजरातिश। कर्नाटक में रहने वाले जो लोग यहाँ महाराष्ट्र में हैं, कन्नड़ी बोलने वाले लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ येडियुरप्पा जी का पुतला जलाया है। इसका कारण ये ही है कि उद्धव साहब के नेतृत्व में मराठी और कन्नड़ा यहाँ एक साथ रहने वाले लोग, यहाँ कोई दुराभाव नहीं है, लेकिन मराठी आदमी को वहाँ पीड़ा है और उसके लिए शिवसेना कटिबद्ध है। जब भी उनको तकलीफ होगी शिवसेना उनके मदद के लिए एक कदम आगे रहेगी। कर्नाटक के भटकल में मकामी एमएलए सुनील बी नाइक ने तिरुपति जाने वाली 2 नई बसों का किया इफ्तिताह। खुद बस चलाकर दिखाया डेमो। बोले एमएलए करीबी देहातों में लोगों को सहूलियात फराहम करने मजीद मिनी बसों का भी जल्द किया जाएगा एहतमाम। भटकल तालुका पंचायत में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड तकसीम करने मुनाकिद किया गया इजलास। एमएलए सुनील नाइक ने 20 लाख से भी ज्यादा रकम के चेक को 96 लोगों में किया तकसीम।